टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज राधिका मदान ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। एक्ट्रेस ने बेहद कम समय में अपना मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन राधिका के लिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। टीवी की दुनिया में हिट शोज में काम करने के बाद अब एक्ट्रेस ने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया है, लेकिन टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय कर पाना राधिका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक्ट्रेस अपने स्ट्रगल के बारे में खुलासा करते हुए इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कई लोगों ने शेप और एक साइज में आने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, लोगों ने उन्हें सर्जरी करने को लेकर भी नसीहत दी कि उन्हें एक बार इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। 17 साल की उम्र में ही राधिका ने शो के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्हें कई टीवी शोज के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि अभी 19 साल की हो तुम और अभी से अगर आराम चुनोगी तो फंस जाओगी। ऐसे में राधिका ने टीवी को छोड़कर फिल्मों में काम करना ठीक समझा। राधिका मदान ने विशाल भारद्वाज की फिल्म पटाखा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने इरफान खान और करीना कपूर खान के साथ अंग्रेजी मीडियम में काम किया, लेकिन राधिका ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में टीवी शो मेरी आशिकी तुम से ही से की थी। राधिका ने बताया था कि एक समय में उनका काम करने के दौरान वजन थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार काम किया। लेकिन काम करने के दौरान कई लोगों ने मुझे बताया कि और मुझे सर्जरी की जरूरत है, लेकिन मुझे तो मैं बहुत सही लगती हूँ। फिर ये लोग कौन होते हैं मुझसे कहने वाले कि मैं सुंदर नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद अगले 1.5 साल तक मुझे काम नहीं मिला, इसलिए मैंने लगातार कई ऑडिशन दिए और जल्द ही मैंने अपनी पहली फिल्म भी साइन कर ली। इन दिनों राधिका मदान अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज सरफिरा में नजर आ रही हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस को काफी पसंद किया जा रहा है। सरफिरा में अक्षय कुमार और राधिका मदान ने लीड रोल प्ले किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।